लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल के पासीघाट में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही प्रदेश के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों के समर्थन की वजह से ही हम सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे को विकसित करने और देश के बाकी हिस्सों के साथ राज्य के हवाई संपर्क को बेहतर किया और ये सभी आपके मजबूत विश्वास का परिणाम है। इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताया और साथ ही इस दौरान पीएम ने कहा कि हम सिर्फ एक वादा करके उसे दशकों तक लटकाए रखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों की तरह इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है और ढकोसले से भरा हुआ होता है और इसीलिए उसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि ढकोसला पत्र कहना चाहिए। आज हम अरुणाचल में गांव गांव में सड़कें हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो या फिर एयरवे, कनेक्टिविटी को मजबूत करने में बहुत काम कर पाए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपका मुझे साथ न मिला होता तो ये काम मैं कर पाता क्या? अरुणाचल का भला हो सकता था क्या? विकास के काम हो सकते थे क्या? कनेक्टिविटी के काम हो सकते थे क्या? ये आपके सहयोग के कारण हुआ कि नहीं हुआ? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तेजू और पासीघाट में एयरपोर्ट, नहरलागुन और गुवाहाटी के बीच चलने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट आपके मजबूत विश्वास का ही।